नहीं जी, उसने ऐसी कड़ी गल जी, मैंने मैंने को कब कहा कि मैं तो हजरत उन्हों की तरबियत कर दिया तरीके दे नाल, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा वो हजरत, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा कि तो अल्लाह का नाम लो बड़े हो जी, तुम एडी गुफ्तु कर दे तुम कर लो जी, फिर बोलन का की तुमको अजीब बात है कि मैं उनकी तरबियत कर रहा हूँ। तो अभी खुद से पूछ लेते हैं, आज सारे दिन में हमने कितना अल्लाह को याद किया? कोई भी नहीं किया। आज सारे दिन में हमने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है? कोई भी नहीं। आज हमने कितना कुरान पाक तिलावत किया है? कोई भी नहीं किया। नहीं हज़रत, या नहीं हज़रत, लो जी हज़रत, मैं कब कहूँ कि कह रहा हूँ कि किसी ने पढ़ा ही नहीं है? मैंने कब कहा कि किसी ने नहीं पढ़ा? मैंने कहा जिसने पढ़ा है वो भी दिल में जवाब देना, जिसने नहीं पढ़ा वो भी दिल। मैंने कब कहा कि किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं जी, उसने ऐसी कड़ी गल जी, मैंने मैंने को कब कहा कि मैं तो हजरत उन्हों की तरबियत कर दिया तरीके दे नाल, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा वो हजरत, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा कि तो अल्लाह का नाम लो बड़े हो जी, तुम एडी गुफ्तगू कर दे तुम कर लो जी, फिर बोलन का की तुमको अजीब बात है कि मैं उनकी तरबियत कर रहा हूँ, उनके अंदर ये फिक्र बेदार कर रहा हूँ कि पुत्र सारा दिन गुजर गया पूरा, मैंने कब कहा? मुझे नहीं पता तुम बैठे हो, तुम बैठे ने, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा? अल्लाह का शुक्र है मैं आप ही बड़ा पढ़े है। अगर आप फिर ये बात करते हैं अजीब हजरत, अहले सुन्नत में मिजाज है हर बंदा मुफ्ती है जरा जरा, गल अजीब बात है जी, यही तो अहले सुन्नत को के डूब जाने की वजह है। उलमा की इज्जत ही कोई नहीं है, किसी बंदे को बोलते डर ही नहीं लगता कि मैं क्या बोलने लगूंगा। नहीं पुत्र ऐसी मैं कहने से बोलने छड़ के टुर जाना, अड्डे भी नहीं कच्चे है इधर जी। मैंने तो फिर उन्होंने कोई जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि किसी ने नहीं पढ़ा? मैं बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ, उनमें एहसास बेदार कर रहा हूँ। अच्छा देखो ना अदर जी, मैं एक मिसाल के तौर पर मैं एक बात करने लगा। देखो अजीब होती है हमारी सोच। इकबाल का दौर देखें, इतना सोना दौर है कि इकबाल के दौर में कौन कौन है? जमात अली शाह हैं, मेर अली शाह हैं, सैयद दीदार अली शाह हैं, चूरा शरीफ में बाबा जी नूर मोहम्मद है, बाबा जी फ़कीर मोहम्मद है, ठीक है, इतने इतने बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं इधर जी। और इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल उस दौर में कहते हैं ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहीं शोखियाँ। उन्हें नानी को लड़िया कि इकबाल तू की कह रहे हैं वे हसी पे बैठे दे। नहीं भाई, सबको पता है कि इकबाल के कहने का ये मकसद नहीं है कि उन कोई आशक ही नहीं रहा थे। इकबाल तो फिक्र बेदार कर रहे हैं। देखो ना, जमात अली शाह हैं और इकबाल क्या कहते हैं? ना वो इश्क में रहीं। जमात अली शाह साहब नहीं लड़ने गए इकबाल से, वो इकबाल है तू की आ कहते हैं, नहीं पता जमात अली शाह है वे। ये बाबा जी नूर मोहम्मद नहीं लड़ने गए चूरा शरीफ वाले इकबाल से, इकबाल जी तूने क्या कहा? तुझे नहीं पता अभी नूर मोहम्मद जिंदा है और तू कह रहा है कि इश्क में वो गर्मियाँ नहीं रहीं? कोई नहीं। उस दौर में इकबाल जब अलीपुर शरीफ है, जब हजरत जी शरकपुर शरीफ है, जब हजरत जी चूरा शरीफ है, जब बरेली शरीफ है, जब मानकी शरीफ है, इकबाल उस दौर में कहता है कुंभ इज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए। अब को लड़ने नहीं गया इकबाल से, वो इकबाल वे हसी जीने तू कहना है? नहीं, बात का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि कोई जिक्र करने वाला है ही नहीं है। मैं तो इन बच्चों से मुखातिब हूँ कि इनके अंदर ये फिक्र बेदार हो। तो अगर आपने इधर जी पढ़ा है तो आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए पढ़ा, तो उनको पता है आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं मेरी बात का। तो जी हजरत जो है ना माहौल बना देते हैं आप बात का। इसलिए पुत्र सारा सारा दिन गुजर जाता है। और भाई जी ने किया है, उन्हें किया है, अभी कोई दूजा ना मेरे गल पई हो हूँ इधर। आहो भाई मैं उन्होंने गल करने जो बेचारे मेरे अर्गे नहीं करते है कोई। आहो भाई मैं उनको ढोर खलोए हो जी, मैं तो किया तुम कह दो किया ही कोई नहीं। भाई जी ने किया है मेरे हत्थों वाले वेख के तुम ए, मैं उन्होंने कर रहे जे मेरे अर्गे नहीं करते कोई भी, मैं उन्होंने गल कर भाई जेडे जेडे तुम नहीं ना करते मैं ताे मुखाता वा भाई। हाँ ठीक है, सारा सारा दिन बेटा गुजर जाता है, हम नहीं करते है। इसलिए पहले जिक्र, फिर कसरत जिक्र, फिर इस तरह जिक्र के देखने वाला समझे दीवाना। हम तो सब कुछ खो बैठे अपना,